दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 17/2023 के परिणाम आने में देरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील ने याचिका दायर करके कहा कि आजीविका का अधिकार खतरे में है। दोस्तों, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया से 17वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE के परिणाम घोषित करने का अनुरोध किया है, जो फरवरी 2021 में हुई थी। दोस्तों, याचिकाकर्ता का तर्क है कि AIBE परिणामों की घोषणा करने में विफल है और एक वकील के रूप में अभ्यास करने के उसके कानूनी अधिकारों को खतरे में डाल रही है, जो उसकी आय के स्रोत को प्रभावित करेगा। दोस्तों, याचिका कर्ता के अनुसार आजीविका के बिना जीवन दयनीय हो सकता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है, जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है। दोस्तों, AIBE वकीलों के लिए एक राज्य बार काउंसिल के साथ नामांकन करने और कानून के अभ्यास में संलग्न होने के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है। AIBE के परिणाम घोषित करने में देरी अनुचित रूप से BCI की शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ये कहा है कि वो BCI को जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने का निर्देश दें। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।